डियर स्टूडेंट, हमें पता है मनुष्य एक बहुत ही बुद्धिमान प्राणी है। मनुष्य के सामने जब परेशानियां आनी शुरू होती है, मनुष्य के सामने जब कोई कठिनाई आती है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो उसको दूर करने के लिए नई नई युक्तियां सोचता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में तमाम जो जरूरतें थी, तमाम कमियां थी, खामियां थी, कठिनाइयां थी, जिससे वस्तु विनिमय प्रणाली से लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही थी। जैसे डबल कॉन्सेंट्रेट बांस, दोहरे संयोग की आवश्यकता एक बहुत बड़ी समस्या थी कि अगर वस्तुओं को आपको बदलना है किसी के साथ, तो उस आदमी को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास आपकी आवश्यकता की वस्तु हो और वो एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो, और ऐसा संयोग हो पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि आवश्यकता इतनी बढ़ गई थी, वस्तुएँ इतनी बढ़ रही थी, जरूरतें ऐसी बढ़ रही थी, हर किसी की जरूरत हर किसी के पास नहीं हो पा रही थी। तो ऐसे में समस्या आई थी, कैसे होगा। दूसरी समस्या थी, अगर मान लीजिए संयोग मिल भी जाए तो बस किस वस्तुओं के बदले में कितनी मात्रा का एक्सचेंज होगा। अगर मान लीजिए आपको कपड़ा चाहिए और मेरे पास राइस है, तो आप बताइए कितने कपड़े के बदले में कितना राइस आपको मिलेगा, या फिर मुझे राइस के बदले में कितना कपड़ा मिलेगा, कैसे पता चलेगा, मापेंगे कैसे, मेजरमेंट कैसे करेंगे, एक ऐसा पुख्ता इंतज़ाम नहीं था। तो बहुत सारी ऐसी खामियां थी, जैसे मूल्य का संचय नहीं कर पाते थे, ठीक है, इसके अलावा भविष्य संबंधित भुगतान करने में दिक्कत थी। इन प्रॉब्लम को दूर करने के बारे में सोचा गया, क्योंकि मनुष्य जब सोचता है ना अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए, तो उससे रिलेटेड एक सफलता या फिर एक नई पॉजिटिव जो है रिजल्ट सामने आता है। तो इसी रिजल्ट का ही नतीजा है मुद्रा। वस्तु विनिमय की तमाम परेशानियों को दूर करते करते मुद्रा का जो है विकास हुआ, मुद्रा हमारे सामने आया। एक मुद्रा एक ऐसी वस्तु है, मुद्रा एक ऐसा माध्यम है जिसके बारे में आप डायरेक्टली ये नहीं बता सकते किसने आविष्कार किया। मुद्रा का आविष्कार किसने किया, कैलकुलेट अब जो है गूगल करो, सर्च करो, कहीं पर भी जगह आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि गूगल कहीं पर भी आपको ये नहीं बताया जाएगा कि मुद्रा का आविष्कार कौन, क्योंकि मुद्रा का आविष्कार ही नहीं हुआ, मुद्रा का विकास हुआ। मुद्रा का विकास सटीक मनुष्य की सभ्यता के विकास के साथ साथ शुरू हुआ। मनुष्य जब से अपनी आवश्यकताओं का सृजन करना शुरू कर दिया, वैसे वैसे ही मुद्रा का सृजन होना शुरू हो गया। मुद्रा का आधुनिक, मनुष्य अब जो आधुनिक हो गया, मुद्रा का भी अब आधुनिक रूप हमारे सामने आ गया। तो आज की इस पूरी क्लास में हम पढ़ेंगे मुद्रा क्या है, मुद्रा का विकास कैसे हुआ, मुद्रा के विकास के प्रमुख चरण कैसे हैं, मुद्रा की परिभाषा क्या है, मुद्रा की विशेषताएं क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पॉइंट टू पॉइंट हर एक बात के बारे में दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मुद्रा, हम सबको पता है मुद्रा यानी कि मनी। मनी एक ऐसी चीज़ है जो आज के समय में हर एक चीज़ की, हर एक व्यक्ति की सबसे पहली ज़रूरत है। मुद्रा ही है, मनी ही वो चीज़ है जिससे लोगों की ज़रूरतें पूरी होती है। मुद्रा ही वह है जिससे लोगों का कंफर्ट होता है। मुद्रा ही वही चीज़ है जिसके लोग जी तोड़ मेहनत कर रहा है। दो वक्त की रोटी भी वही कमा पाता है जिसके पास पैसे होंगे, जो पैसा कमाता है। तो पैसा ही सब कुछ आज के समय में, पूरी अर्थव्यवस्था पैसों के इर्द गिर्द यानी कि मनी के इर्द गिर्द यानी कि मुद्रा के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब मुद्रा के बिना, पैसों के बिना जिंदगी को सोच ही नहीं सकते, ठीक है। सब कुछ मनी के कंट्रोल में है, यानी कि मनी ही सब कुछ है कहने के लिए आ जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं है, बेटा पैसा ही सब कुछ है। जो लोग कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं है, उनके पास भी बहुत सारा पैसा होता तभी ये बात बोल पा रहे हैं। तो मनी के बारे में जानना जरूरी है कि ये मनी क्या है, मुद्रा क्या है, जिसके पीछे हम इतना ज़्यादा जीतोड़ लगाते, इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैं भी इवन आपको पढ़ा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरे पीछे भी एक मकसद होता है कि कहीं मुझे ज़्यादा व्यूज़ मिलेगा तो इनकम भी ज़्यादा मिलेगी। तो मुद्रा ही मेन मकसद होता है, पैसा ही मेन मकसद है। अगर जो कहता है कि मैं तो भाई पैसे के लिए नहीं कमाता, बेटा तू करता क्या है फिर। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो आपको वो हर चीज़ देता है जो आपको चाहिए। पैसा वो आपको हर एक चीज़ ला के देता है जिससे आपको खुशियाँ मिलती हो। तो पैसा ज़रूरी है और पैसा को जानना जरूरी है। इकोनॉमिस्ट स्टूडेंट होने के नाते आपके दिमाग में होना चाहिए कि पैसा ज़्यादा कैसे कमाया जाए, पैसा ज़्यादा कैसे आएगा, होता क्या है, किस तरह से होता है, तमाम बातें। तो मुद्रा की जब बात करते हैं, मुद्रा का जो विकास हुआ, मुद्रा शब्द अस्तित्व में आया, ये मनी जो वर्ड है वो आया कहाँ से। मुद्रा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मनी, ठीक है। मनी एक वर्ड है, मोनेटा, मोनेटा वर्ड है जिसका यूज़ होता था रोम में देवी जूनो का पूजा जाता है, जिसको कहा जाता है अर्थ की देवी, पैसों की देवी, ठीक है। तो देवी जूनो की जिनका मोनेटा था उन्हीं के नाम से आया, और इटली में उनको बोला जाता है स्वर्ग की देवी, ठीक है। और स्वर्ग की देवी, और पुराने समय में इटली में जो पैसा था, लेन देन होता था, राजा महाराजा थे जो अर्थ थे, वो लोग जितने भी पैसे छापते थे, क्योंकि पुराने समय मंदिर को हॉली प्लेस माना जाता, मंदिर में सब कुछ काम होता, मंदिर में चोरी चकारी नहीं होती थी, तो मंदिरों में पैसे को ढाला जाता था। तो वहीं से जब मंदिरों में सिक्कों को ढालना शुरू कर दिया, उन सिक्कों को फिर मोनेटा के नाम से भी जाना जाता, कि मोनेटा के मंदिर में उनको, तो वहीं से मोनेटा से बन गया धीरे धीरे क्या चीज़, मनी।
और मनी जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या चीज़, मुद्रा। नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं हम इसको, पैसा। ठीक है, तो वहीं से अस्तित्व में आया और धीरे धीरे पूरे समाज में मुद्रा का कहीं ना कहीं अलग अलग रूप अलग अलग तरीके से आ गया। तो हमें समझना पड़ेगा मुद्रा का उद्भव आखिर हुआ कैसे, कैसे आया, क्योंकि प्राचीन समय में तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु विनिमय से लोग अपनी आवश्यकताओं को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते थे, ज़रूरतें पूरी हो जाती थी, लेकिन लोगों की ज़रूरतें बढ़ती चली गई। हमेशा समय के साथ साथ ज़रूरतें एक जैसी नहीं रहती हैं, ज़रूरतें बदलती चली जाती हैं। आज के टाइम में जैसे हम लोग जब बचपन में पढ़े रहते किताब कॉपी बस बहुत कुछ, या थोड़ा बहुत कोचिंग चले गए, आज के टाइम में बच्चों को पढ़ने के लिए किताब चाहिए, कॉपी चाहिए, इवन मोबाइल भी चाहिए, ऑनलाइन क्लास चाहिए। ऑफलाइन क्लास तो अवेलेबल है ही है, ऑनलाइन क्लास का नशा चढ़ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं ज़रूरतें बदल रही हैं, और समय के साथ साथ ज़रूरतें बदलती हैं तो ज़रूरत को पूरा करने के लिए पैसे चाहिए, तो पैसे के रूप में भी परिवर्तन होता है। तो प्राचीन समय में से आज तक जो मुद्रा का रूप हमारे सामने आज है, देखिए आज तो देखिए ना, आपके जेब में पैसे नोट सिक्के होने की ज़रूरत भी नहीं है, बस मोबाइल ही काफ़ी है, या ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड ही काफ़ी है, आप उससे कुछ भी खरीद सकते हैं। तो पैसों का रूप बदल गया ना, डिजिटल फॉर्म आ गया, क्योंकि पैसे का कोई रूप ही नहीं है, कोई शेप ही नहीं है आज। ठीक है, पहले तो वस्तुओं से वस्तु बदलो, फिर सिक्के दो, फिर नोट दो, फिर ये दो, आज के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मनुष्य के विकास के साथ साथ, मानव सभ्यता के साथ साथ भी मुद्रा का एक क्रमिक क्रम के साथ वस्तु विनिमय आया, फिर जो है मेटल आया, मेटल के बाद पेपर आया, आज के टाइम में डिजिटल करेंसी है। तो एक क्रमिक विकास हुआ। अगर इस विकास क्रमिक विकास को हम देखेंगे, अगर समझेंगे, एनालाइज करेंगे, तो इसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक मुद्रा का आकस्मिक जन्म सिद्धांत, दूसरा होता है मुद्रा का विकास सिद्धांत, कि मुद्रा का विकास हुआ, और दूसरा कहता है कि मुद्रा का जन्म हुआ, आकस्मिक जन्म हुआ। दोनों के बारे में अगर थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करते हैं तो मुद्रा का आकस्मिक जन्म सिद्धांत, दैट इज स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ मनी, इस सिद्धांत के सबसे बड़े समर्थक थे स्पॉल्डिंग, जिन्होंने कहा कि मनुष्य की खोज मनुष्य ने स्वयं ही नहीं की, बल्कि स्वयं ऑटोमेटिक हो गया। सही बात है, मनुष्य की खोज किसी ने नहीं की, मुद्रा की खोज किसी ने नहीं की, जबकि मुद्रा की खोज मनुष्य की सभ्यता के विकास के साथ साथ अपने आप ही हो गया, संयोग बस अपने आप हो गया, इसलिए आ गया मुद्रा का आकस्मिक जन्म, क्योंकि जरूरतें बदल गई, जरूरत को पूरा करने के लिए माध्यम चाहिए, उस माध्यम का विकास करते करते ही मुद्रा का विकास हुआ। जैसे विनिमय का चलन बढ़ता चला गया, लोगों के सामने कठिनाइयाँ आती गई, और उन्होंने अपनी कठिनाइयों को धीरे धीरे दूर करना शुरू कर दिया, और कठिनाइयों को दूर करते करते मुद्रा का रूप ऐसा परिवर्तित हुआ कि आज हम मुद्रा का एक मॉडर्न फॉर्म देखते हैं। इसका मतलब मुद्रा का स्वयं विकास हुआ, किसी ने किया नहीं, मनुष्य ने ही नहीं किया, मनुष्य के साथ साथ इसका जन्म अपने आप होता चला गया। ये तो पहली थ्योरी है। दूसरी थ्योरी ये कहता है दैट इज मुद्रा का विकास सिद्धांत, यानी कि विकास हुआ, क्रमिक विकास हुआ, स्टेप टू स्टेप हुआ। मनुष्य ने मुद्रा के माध्यम से प्रयोग किया, मुद्रा के रूप बदला, मनुष्य ने अपनी आवश्यकता को दूर करने के लिए मुद्रा के साथ जो है कई प्रयोग किए, और मुद्रा का अस्तित्व हमारे सामने आता चला गया। जब मुद्रा के क्रमिक सिद्धांत विकास की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं मुद्रा का क्रमिक विकास, यानी कि एवोल्यूशन ऑफ मनी, तो हम ये देखते हैं कि मनुष्य पहले जानवरों के रूप में हुआ करता था, तो मुद्रा के रूप में भी उससे वस्तु का प्रयोग होता था, थोड़ा सा विकास हुआ, फिर चीज़ों का प्रयोग होने लगा, मनुष्य का और विकास हुआ तो मेटल का प्रयोग हुआ, मेटलिक मनी आ गया, फिर मनुष्य और विकास हुआ जैसे मेटलिक वो आ गया, पेपर मनी आ गया, फिर कार्ड्स आ गए, आज के टाइम बिटकॉइन चल रहा है, देखिए डिजिटल मनी, यानी कि मनुष्य के विकास के साथ साथ, सभ्यता के विकास के साथ साथ, क्रमिक विकास के साथ साथ मुद्रा का भी विकास होता चला गया। समझे, सबसे पहले मनुष्य जो है जानवरों के पशु के रूप में प्रयोग किए जाने लगे, या कि वस्तु के रूप में प्रयोग, चाहे जानवर हो या फिर वस्तुएँ हो या फिर पत्थर हो, बहुमूल्य चीज हो, इसका माध्यम से वस्तु, जिसको बोलते हैं वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय के बाद फिर किसका विकास हुआ, फिर मेटल का, यानी कि धातु का विकास हुआ, और धातु मुद्रा का जन्म हुआ। और मनुष्य ने अगर सबसे अधिक मुद्रा के विकास में योगदान दिया, धातुओं के विकास करके दिया, क्योंकि धातुओं के विकास होने के बाद मुद्रा का स्वरूप बदल गया। पहले मुद्रा का कोई फिक्स स्वरूप नहीं था, कभी गाय, कभी बकरी, कभी वस्तु, कभी चावल, कभी आटा, कभी दाल, ऐसे। लेकिन जैसे ही जो है धातु का जन्म हुआ, धातुएं जैसे सोना, चांदी, ठीक है, इसके अलावा तांबा,
इन सब का विकास हुआ तो धातुएं स्थिर होती हैं, धातु का मूल्य होता है, ये स्थिर रहता है। तो ऐसे में धातु मुद्रा का ऐसा प्रचलन बढ़ा कि आज भी धातु मुद्रा का हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये स्थिर होता है, लेन देन अच्छा रहता है, मुद्रा के रूप में इसको बनाना छापना का बहुत सरल होता है, इसका जो है एक दूसरे से स्थान पर ले जाना आसान रहता है और लोग इस पर भरोसा भी करते हैं। आज भी जो है धातु मुद्रा का प्रयोग होता है, जितने भी सिक्के सब धातु मुद्रा का ही रूप है। तो धातु मुद्रा के बाद धातु थोड़ी वजन में ज़्यादा होती हैं, तो इससे बदलने के लिए जैसे ही पेपर करेंसी आया, ठीक है ना, गोल्ड के बाद मेटल कॉइन्स, जो मेटल आया मिक्स धातु, उसको बोलते हैं जो है मिश्र धातु, मिश्र धातु, मिश्र धातु का विकास हुआ, क्योंकि पहले गोल्ड है, गोल्ड के बाद मिश्र धातु, आज के टाइम में जो गोल्ड है मिश्र धातु है, फिर पेपर का विकास हुआ, ठीक है ना, पेपर यानी कागजी नोट, कागजी नोट जो है वो ईजी भी होता है, छापने में आसान भी होता है, कैरी करने में, एक जगह कागज में बड़ा मुद्रा भी रख सकते हैं, तो इजी हो गया। कागजी मुद्रा के बाद फिर प्लास्टिक कार्ड्स बनने लग गए, बैंक कार्ड जैसे डेबिट कार्ड हो गया, एटीएम कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, इसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी आ गया, आज के टाइम में यूपीआई सिस्टम हो गया, फिर डिजिटल में भी हो, क्रिप्टो करेंसी का भी यूज़ होता है। मतलब जैसे जैसे आधुनिक समाज का विकास होता चला गया, मनुष्य ने मुद्रा को अलग अलग रूपों में प्रयोग करना शुरू कर दिया, और इसके माध्यम से आज के टाइम में देखते हैं एक डिजिटल मनी आ गया है। अब हमें मुद्रा की कोई भौतिक जरूरत ही नहीं है। नोट मैं तो बहुत कम यूज़ करता हूँ, मैं कहता हूँ अपने मेरे डेली लाइफ में नोटों का यूज़ बहुत कम, अगर कोई स्टूडेंट मुझे पेमेंट करता है बस वही है, इसके अलावा मेरी सैलरी भी आती है, मैं कहीं पेमेंट भी करता हूँ तो यूपीआई पेमेंट करता हूँ, ठीक है। मतलब मनुष्य के जीवन में मुद्रा एक ऐसा रूप प्रदान कर दिया कि मुद्रा की आवश्यकता नहीं फिजिकल फॉर्म में, दैट इज मनी, जो कि धीरे धीरे हुआ। इसके अगर हम बात करते हैं मुद्रा का अर्थ और उसकी परिभाषा, क्या है मुद्रा, मुद्रा के अर्थ के बारे में क्या आपको उससे बोला भाई, मुद्रा मुद्रा की बात करें, मुद्रा कहते किसे हैं भाई, मनी क्या है, मनी है तो हनी है बोलते नहीं, तो मुद्रा है क्या। तो मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे विस्तृत रूप से विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, ऋणों के अंतिम भुगतान तथा मूल्य के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र और सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता। मतलब वास्तव में मुद्रा क्या है, मुद्रा एक माध्यम वस्तु है, एक वस्तु एक ऐसे माध्यम का रूप है जिसके माध्यम से लोग वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, मूल्य का भुगतान करते हैं, मूल्य का संचय करते हैं और भविष्य के संबंधी भुगतान भी कर सकता है। जो इन सभी कार्य को करता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, मुद्रा बोलते हैं। तो मुद्रा के अर्थ को समझने के बाद मुद्रा की बहुत सारी परिभाषाएँ आ गई, समय के साथ साथ प्रयोग के आधार पर, रूप के आधार पर, कई तरीके से जो है मुद्रा के परिभाषाओं के अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से दिया है। तो मुद्रा की परिभाषाओं को बेसिकली तीन कैटेगरी में बांटा जाता है, नंबर एक कार्यात्मक परिभाषा, वैधानिक परिभाषा और सामान्य स्वीकृति की आधार पर। तो जब हम तीनों के बारे में बात करेंगे तो किस किस ने कैसी कैसी परिभाषा दी, परिभाषा का मतलब किसी विद्वान के माध्यम से दी जाने वाला स्टेटमेंट। तो यहाँ पर कार्यात्मक की परिभाषा में हार्टले विदर्स, कॉल वॉन, टॉमस आदि अर्थशास्त्रों की परिभाषा बहुत ज़्यादा फेमस है। कॉल वॉन ने कहा मुद्रा क्या है, मुद्रा वह है जो मूल्य मापक और भुगतान का साधन, मतलब जिससे किसी वस्तु के मूल्य को माप सके, जिससे किसी वस्तु के मूल्य का भुगतान कर सके, उस वस्तु को मुद्रा कहते हैं। हार्टले विदर्स ने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य, मुद्रा का कार्य क्या है, मूल्य का मापन करना, क्रय विक्रय करना यानी कि आदान प्रदान के लिए यूज़ करना, मूल्य का जो मुद्रा के सभी कार्य करता है उस वस्तु का मुद्रा कहते हैं। टॉमस ने कहा मुद्रा किसी आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति का साधन है, अर्थात जो दूसरे वस्तु और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए प्रयोग की जाती है उसे हम मुद्रा कहते हैं। इसके अलावा फिर वैधानिक परिभाषा आई, वैधानिक मतलब कानून के आधार पर, तो इसमें प्रोफेसर नैप, ब्रिटिश अस्तरी हॉटरे आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कोई भी वस्तु जो राज्य यानी कि सरकार के द्वारा मुद्रा के रूप में घोषित की जाती है, उसे अगर कागज़ का टुकड़ा है, सरकार ने कहा ये कागज़ के टुकड़े की कीमत 500 रुपये, हम इसको लीगल घोषित करते हैं तो ये मुद्रा है। सरकार के द्वारा घोषित की गई कोई भी जो मुद्रा के रूप में घोषित होती है, ऑथोराइज होती है, उसे हम वैधानिक मुद्रा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा सामान्य स्वीकृति, सामान्य स्वीकृति जब लोग सामान्य रूप से स्वीकार करें मुद्रा के रूप में, तो सेलिगमैन ने कहा कि मुद्रा वह है जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त हो, मतलब वह वस्तु है जो सामान्य रूप से सभी व्यक्ति स्वीकार करें, लेने के लिए भी और देने के लिए भी। क्राउथन ने कहा मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्यता स्वीकार की जाती हो और उसी समय मूल्य मापन और मूल्य संचय के लिए भी कार्य करती हो, मतलब साफ है ऐसी वस्तु जो सामान्यता लोग उसको विनिमय के माध्यम के रूप में, मूल्य के संचय के रूप में और किसी वस्तु के मूल्य को निर्धारित करने के लिए तय होता है, वो वस्तु मुद्रा है। किन्स ने कहा, किन्स की परिभाषा थोड़ी अलग है, मुद्रा वह है जिसको देकर ऋण और मूल्य संबंधी भुगतानों को निपटाया जाता है तथा जिसके रूप में सामान्य क्रय शक्ति का संचय
किया जाता है उसे मुद्रा कहते हैं। तो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपने हिसाब से मुद्रा के को परिभाषित किया, मुद्रा को एक्सप्लेन किया। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं मुद्रा की जो सटीक परिभाषा है वो इस प्रकार से है कि मुद्रा वह वस्तु है जो एक विस्तृत क्षेत्र में विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, मूल्य संचय, ऋणों के भुगतान के माप के रूप में सामान्यता स्वतंत्रपूर्वक स्वेच्छा के साथ निसंकोच रूप से स्वीकार किया जाता है। समझिएगा, मुद्रा वह वस्तु है, मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तु के वस्तु विनिमय, मूल्य मापक, मूल्य के संचय और मूल्य के स्थगन के रूप में प्रयोग की जाती है सामान्य जनता के द्वारा। उसी वस्तु को हम मुद्रा के रूप में जानते हैं। इसके अलावा मुद्रा की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। मुद्रा क्या है? मुद्रा वह है जो इसमें सामान्य स्वीकृति होनी चाहिए, यानी कि सभी लोग स्वीकार करें, तभी वह मुद्रा है। कुछ लोग ये नहीं, ये मैं नहीं लूँगा, ये सही नहीं है, तो मुद्रा नहीं है। मुद्रा की स्वीकृति स्वतंत्र और स्वेच्छा, स्वेच्छा से होनी चाहिए, मतलब दबाव डाल के नहीं होता, लोग अपने मन से स्वीकार करें। कानून रूप होना चाहिए, कानून वैधानिकता होनी चाहिए। मुद्रा के विनिमय और माध्यम और मूल मापक का कार्य के साथ साथ होना, एक साथ वो विनिमय के रूप में प्रयोग हुआ और उसी माध्यम से वस्तु के मूल्य भी निर्धारित हो, एक साथ जब दोनों कार्य हो तो वो वस्तु है। और सबसे इम्पोर्टेंट, मुद्रा वो है जो वैधानिक, यानी कि जिसको सरकार के द्वारा वैधानिकता घोषित की जाती है वही मुद्रा है और उसी के माध्यम से लेन देन आगे किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई भी डाउट हो मुद्रा के यहाँ तक, मुद्रा के परिभाषा में, मुद्रा के विकास में और उसकी विशेषता में, तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि डाउट पूछना जरूरी है, डाउट मन में नहीं होना चाहिए। मुद्रा से रिलेटेड बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन लगातार वीडियोस में, छोटे छोटे वीडियोस होंगे, बड़े वीडियोस में एक्चुअली में बच्चे बोर भी होते हैं, समझ में कम आता है, तो छोटे छोटे वीडियोस तैयार किया है मैंने। ठीक है ना, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।